हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ वो है स्टैंडर्ड 8 का इंग्लिश सब्जेक्ट, जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। इसे लिखा गया है ऑस्कर वाइल्डी ने, और ये स्टोरी काफ़ी इमेजिनेटिव है। ओके, मैं आप लोगों को समझाऊंगा, वो टेंशन नहीं है। लेकिन ये जो लेसन है वो बहुत ही लेंदी है, राइट। इसे रीड करने के लिए भी इंसान पक जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को शॉर्ट में स्टोरी समझाऊंगा। ओके, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, लेकिन काफ़ी इमेजिनेटिव है, ये मैं शुरुआत में भी कहा हूँ। सो प्लीज़ आप लॉजिक को साइड में रखिए, इलॉजिकली सोचिए स्टोरी को, और अब हम शुरू करते हैं। सो देखिए, एक शहर होता है, सिटी होता है, जहाँ पर सिटी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा स्टैचू बांधा गया है। ओके, वो एक किसी प्रिंस का है जो मर चुका है। अब मैं प्रिंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ये पर्टिकुलर प्रिंस है जिसका बहुत बड़ा किंगडम था एक ज़माने में, वो बहुत ही खुशी से रहता था, उसको सब लोग हैप्पी प्रिंस करके बुलाया करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई, और जो शहर वाले उन्होंने उसके नाम का एक बहुत बड़ा स्टैचू बांधा था जो गोल्ड का था, पूरा गोल्ड से कवर किया गया था, और उसके माथे पे क्राउन्स थे वो सब स्टोन के थे, उसके जो आँखें थे वो ब्लू कलर के स्टोन के थे, लकी स्टोन्स पे थे, मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव स्टोन्स के बनाए हुए थे, तो आँखों पर ब्लू कलर के स्टोन्स थे, और वेस्ट था ना, वेस्ट कमर के वहाँ पे बीचों बीच, कमर के बीचों बीच एक रेड कलर का स्टोन था। ठीक है, क्लियर। ये स्टैचू के बारे में बोल दिया है, हैप्पी प्रिंस था जो गुजर चुका था, उसका एक स्टैचू बना था, बहुत लंबा स्टैचू था। ऑलराइट, तो एक दिन क्या होता है, उसी स्टैचू के सामने, मतलब उस स्टैचू के पैरों तले एक स्वॉलो नाम का एक पक्षी आकर के बैठ जाता है। मैं पक्षी बोल दूंगा, ज़्यादा स्वॉलो नहीं बोलेंगे, उसका नाम है। ओके, टेक्स्ट बुक में अगर आप देखो तो बर्ड आकर के उसके पैरों तले ऐसे बैठ जाता है अपना मुंह पोछने के लिए, क्योंकि बहुत धूप टाइप रहता है तो इसके लिए। तो क्या होता है कि ऊपर से जो प्रिंस का जो स्टैचू है उसके आँखों से आंसू आकर के उसके ऊपर गिरता है। तो बर्ड सोचने लग जाता है कि मेरे पर पानी का ड्रॉपलेट्स कैसे गिरने लग गया, बारिश तो आ नहीं रहा है। फिर वो वापस से गिर जाता है उसकी आँखों से, वो स्टैचू में से उनकी आँखों से पानी इस बर्ड पे गिरता जाता है। सो ये बर्ड आकर के खंधे पर बैठ जाता है, एंड ही ट्राइज टू आक्स दैट स्टैचू, जो प्रिंस था उसको पूछते कि तुम रो क्यों रहे हो। तो वो अपना सब कुछ बता देता है कि वो एक प्रिंस था, और किस तरह से वो उसका डेथ हुआ, और लोगों ने स्टैचू उसका बांध लिया। लेकिन आज वो उदास इसीलिए क्योंकि यहाँ वो खड़े खड़े सारे शहर को वो दूर दूर से देख सकता है इतनी ऊँचाइयों से, और कई लोग तो घर में कितनी बुरी तरह सफ़र हो रहे हैं, कितने लोग भूखे हैं, तो वो देख करके उसको बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन वो हिल नहीं सकता उस जगह से, तो वो बर्ड को बोलता है, जो बर्ड खंधे पे बैठा था उसको बोलता है कि मेरा जो, वो एक बोलता है कि एक घर है जहाँ पर एक औरत कपड़े मतलब गाउन सील रही है, और उनके दो बच्चे हैं, एक लड़की और एक छोटा सा बेबी है। उन लोग बहुत भूखे हैं, उन लोगों ने काफ़ी दिनों से खाना बराबर से नहीं खाया है। तो बर्ड को वो बोलता है स्टैचू कि मैं तो हिल नहीं सकता, लेकिन तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो वो कहता है कि जो वेस्ट के वहाँ पे ना कमर के बीचों बीच एक रेड कलर का जो स्टोन है वो निकाल करके उनको दे करके आना। तो बर्ड सुन लेता है, बर्ड वो स्टैचू वेस्ट की तरफ जाता है, वो रेड कलर का स्टोन लेकर के उस पर्सन के घर पे जाता है, और वो टेबल पे रख के वो जो बच्चा रो रहा है बेबी उसको हवा देता है पंखों से, और वो चले जाता है। तो वो लोग जो हैं उनका पेट भर सके, वो स्टोन बेच करके वो लोग अपना गुजारा कर सके। उसके बाद होता ये है कि वो बर्ड जाता है स्टैचू के पास, वो बोलता है कि अब मुझे निकलना पड़ेगा प्रिंस। प्रिंस फिर भी उदास रहता है, प्रिंस बोलता है कि काफ़ी लोग हैं इस शहर में जो सफ़र हो रहे, जो भूखे हैं, जो तड़प रहे हैं, आई कैन से। तो एक और घर के बारे में बताते हैं जहाँ पर एक बुज़ुर्ग व्यक्ति, मतलब वो स्टैचू को दिखता है दूर से कि एक घर में विंडो के वहाँ पर एक बुज़ुर्ग व्यक्ति बैठ कर के अपना नाटक, मतलब प्ले लिख रहा था, और वो प्ले में इतना गुस्सा हुआ था, इतना स्ट्रेस था कि वो स्ट्रेस मतलब बहुत ही डिप्रेस था, वो लिखते लिखते बहुत ही मतलब उतना फोकस था हम कह सकते हैं, कि वो कई दिनों से खाना नहीं खा पाया। अब वो कहता है उस बर्ड को, ये स्टैचू बर्ड को कहता है कि मेरा एक आँख पे जो ब्लू कलर का स्टोन है वो निकाल करके उस बुज़ुर्ग आदमी को दे करके आना, ताकि उसका गुजारा हो सके। तो बर्ड कहता है ठीक है, निकाल करके उसके पास चला जाता है, जाके दे के आता है, वो खुश हो जाता है। फिर वो उस दिन पूरा शहर घूमता है वो बर्ड, और वापस से आकर के, मतलब वो आकर के एक रात गुजारता है स्टैचू के साथ। फिर वो स्टैचू को बोलता है कि मुझे निकलना पड़ेगा, बिकॉज मुझे, क्योंकि स्नो गिर सकता है तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो फिर ये स्टैचू बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, एक और लड़की है
जो सड़कों पर माचिस के डब्बे बेच माचिस बेच रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस बच्ची का जो माचिस है वो पानी में गिर गया। अब वो अगर बिक नहीं जाएगा वो बच्ची से, क्योंकि वो स्ट्रीट पर खड़े रह के बेच रही थी, अगर वो बेच नहीं पाएगी तो उसके पिताजी उसको डांटेंगे, उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे। तो वो कहता है बर्ड को, स्टैचू, कि मेरा दूसरा आँख पे भी वो जो ब्लू कलर का है वो भी निकाल करके दे देना उसको। तो वो जा करके दे देता है। फिर ये बर्ड है ना घूम फिर के आता है, एक रात वापस बिताता है स्टैचू के साथ। तो बर्ड बोलता है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज़ तुम्हारे पास दोनों आँखें नहीं हैं, बिकॉज़ दोनों स्टोन्स निकाले गए थे और दिए गए थे, तो तुम अब कुछ भी नहीं देख पाओगे, पूरे सिटी को अब देख नहीं पाओगे। तो स्टैचू इतना ही कहता है कि ऐसा है तो तुम जितने भी गरीब लोग, जितने भी गरीब यहाँ पर दिख रहे हैं तुम लोगों को, बर्ड को कहता है, तो मेरे एक एक गोल्ड का टुकड़ा उठा निकाल करके सबको बांट के आना। मतलब स्टैचू में से जो गोल्ड है वो सब निकाल करके गरीबों को बांट देना, ताकि उन लोग भूखे ना रहे। तो वो जा करके बर्ड वैसे ही करता है, जा करके सारा गोल्ड लगा हुआ था वो सब निकाल करके बांट के आता है, सब लोग खुश। तो एक दिन ऐसा हो जाता है कि शहर में बारिश आ जाती है, उसी पर्टिकुलर शहर में जहाँ पर वो स्टैचू है। तो ये बर्ड को बहुत तकलीफ़ हो जाती है, बिकॉज़ वो ठंडी वो झेल नहीं पाता वो बर्ड। वो जा करके किसी टोस्ट या ब्रेड के बीच में जा करके सेक लेता है गर्मी, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बर्ड वापस से उस स्टैचू के पास जा कर के बोल जाता है, मतलब वो बर्ड स्टैचू के पास जाता है। फिर उस स्टैचू कहता है कि अब तुम इजिप्ट जो है अपने जगह जा सकते हो, और जो भी गर्मी है वहाँ पर एंजॉय कर सकती हो। लेकिन बर्ड कहता है कि नहीं, मैं मरना चाहता हूँ, बिकॉज़ अब मेरा कोई जीवन बचने का चांस नहीं है। और इस तरह से वो जो बर्ड है वो स्टैचू के फोरहेड पे ऐसा किशू देता है, किस देता है, और वो पैरों तरह गिर के मर जाता है। अब क्या होता है कि उसी दिन बहुत बारिश आ जाता है और पूरा गोल्ड निकाला है, पूरा गया हुआ है स्टैचू, बिकॉज वो पूरा गोल्ड निकला है, कुछ सीमेंट सीमेंट क्रैक वगैरह पड़ा था उस स्टैचू का। तो मेयर जो होते हैं उस जगह का मेयर होते हैं, तो वो आ जाते हैं और बोलता है कि स्टैचू को तोड़ो और जला कर फेंक दो। तो जब वो स्टैचू को जलाया जा रहा था वो प्रिंस का, तो उसके पास भी एक दिल होता है, इमेजिनेटिव है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो स्टैचू के पास भी दिल था। तो वो दिल कहीं ना कहीं बच जाता है, पूरा जल जाता है लेकिन दिल बच जाता है। तो वो दिल भी फेंक देते हैं और वो पक्षी जो था वो मारा था उसको भी साइड में फेंक देते हैं। फिर ऊपर से भगवान एंजल या परी भी कह सकते हो उनको बोलते हैं कि जाकर के इन दोनों, मतलब जाकर के ये प्रिंस का दिल लेके आओ। फिर वो परी आ जाती है धरती पे प्रिंस का दिल लेने के लिए, लेकिन वो देखती है कि पक्षी का भी बॉडी पड़ा है, मतलब छोटा सा जो पक्षी मरा था वो भी पड़ा है। तो दोनों लेकर के आती है परी और भगवान के सामने रखती है। फिर भगवान बोलता है कि बहुत अच्छा काम किया तूने, अभी प्रिंस गाना गाना लिखते रहेगा और जो बर्ड है वो गाते रहेगा, इस तरह से जो हेवन है वो बहुत ही खुशहाल रहेगा। सो दैट्स इट, इतनी कहानी है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो। कमेंट्स में बता देना आप लोगों का क्या विचार है इस स्टोरी के प्रति। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर करना ना भूले, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और इंस्टाग्राम पर भी हो गाइज, @DenzelFrank28 स्क्रीन पर आप देख सकते हो। और डोनेट करना चाहोगे तो मोस्ट वेलकम, डिटेल इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।